सवा दो लाख में 50,000 में ये चारों पट्टी टेढ़ रहेंगे। नरेश सेलवाल अकेला 1.5 लाख से ऊपर बोल रहे जाएगी। अनुभव दानंद कहा में कौन करे अड़े की में कौन करे। नरेश विधायक का सो बोल है इन्हें नहीं बख्शा कोई। नरे यहाँ कोई दुकान नहीं है, इनकी बंद हो चुकी है। उस पटाखे और कोई हाउस है। नरेश सेलवाल जीतेगा जी 100 की 100 यहाँ से 70-80 हजार रुपए। हमने तो मंत्री बनाए रखा यू हमारे का मंत्री बना रखा यू। एंट्रिक लगेगी आर की 3 बार लगातार नहीं आएंगे। काम में पड़न जो काम है कौन करे। उन्होंने तो सारे ठुकराए दिए। वो भूखा था, भूख निकल की पेट के सर निकल के केज रूती उस नहीं पे। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है उकलाना विधानसभा में। तमाम लोग अभी हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उकलाना में अब की बार क्या कुछ रहेगा। तो जी क्या रहेगा अब की बार उकलाना में। उकलाना में जी नरेश सेलवाल की जीत रहेगी। हाँ जी 2.25 लाख वोट है जी। 2.25 लाख में 50,000 में ये चारों कैंडिडेट रहेंगे। नरेश सेलवाल अकेला 1.5 लाख से ऊपर वोट लेके जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। हाँ जी ज्यादा है, वाक्य में सही है। एक नंबर एक दर पिलार से नरेश सेनवाल की बहुत ज्यादा वोटा जीतेगा। अनुभव दानंद कहा में कौन करे अड़े की में कौन करे। जिस जिस जगह गए हाँ जड़ा जड़ा भी माहौल देखा है। तो अपने नरेश विधायक का 100 माहौल है। बच्चा बढ़िया है, बढ़िया आवाज का ही बढ़िया और वो भी बढ़िया भाई ईमानदार। पिछले 10 साल में कितना के कर दिया बीजेपी सरकार ने, नशा में लट दे दिया सारे। देखिए सारे लोग कारण आ गए कुछ नहीं करया है। जो किसान का भी लट ठोके, सरपंचा का ठोके, आंगनबाड़ी वाले का ठोके, मजदूरा का ठोके, इन नहीं बख्शा कोई। मास्टर का ठोके, आंगनबाड़ी वाले नंबरदारा के पिटे, छोटा कौन है जीनती। लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता अमित शाह आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे तो वो एक तरफा माहौल कर जाएंगे। सर यहाँ कोई दुकान नहीं है, इनकी बंद हो चुकी है। बंद दुकान है, फूस पटाखे और कोई हाउस है। नरेश सेलवाल की जीत है भाई साहब, पक्की जमा 100 की 100। नरेश सेलवाल जीतेगा जी 100 की 100 यहाँ से 70-80 हजार वोटों से। हाँ नरेश सेलवाल जी। वजह इसकी जो भी जो नेचर है इसके बहुत अच्छे नेचर है। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे बड़े बुजुर्ग आदमी तक प्यार से बतलाता है, जो भी दुख सुख होता है साझा करता है प्यार से। तो मंत्री जी भी बात करते हैं। हमने तो मंत्री बनाए रखा यू हमारे का मंत्री बनाए रखा यू। नहीं मैं अनूप धानक की बात उती तो पड़े रहने दे। उती तो कम में कोनी करे। उती तो कम में उती तो कम में कोनी सरपंचा ने कुटती है किसी छोटे को नहीं उसको बदल देने का। ये भी सारा एक तरफ इलेक्शन 1.5 लाख जीतता होगा। दूसरा नंबर पर नरेश सेलवाल की सीट होगी पूरे 90 के 90 विधानसभा में। पहला नंबर पर उड्डा साहब, दूसरा नंबर पर सेलवाल, जमा नजदीक मंत्री मंत्री बन गया। तो हमारे तो भाई साहब बन रहा है, उतने सीट आएगी थी नहीं टिकट आएगी थी उतने बन गया था ये मंत्री। सलजा भी मनाली और बहन हमारी सही जगह एक नंबर का भाई। कुछ चिंता ना करे, चिंता ना एक तरफा है भाई, एक तरफा और अरे तो अजेंटे को नहीं पावा किरमारा में तो के जिक्रा से। हाँ जी भाई साहब क्या रहेगा भाई। नरेश सेलवाल जीतेगा भाई, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा भाई। हाँ नरेश सेलवाल की जी एक तरफा जीत है यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल। क्या पता मैं मंत्री जाएंगे आपके घर पे। अब जब एंट्रिक लगेगी आर की 3 बार लगातार नहीं आएंगे, ये वादा है 3 बार नहीं आएंगे भाई साहब। कोई मंत्री नहीं अड़े, कोई खुदा कोई सिर्फ नरेश सेलवाल से कोई नहीं है। अफगाना लड़का का सिर्फ नरेश जीतेगा और खूब अच्छे वोटन जीतेगा। क्यों जीतेगा? एक नरमाई एकदम नरमाई उसके पास। दूसरी बात समंदार पटेल लिखा है और भाई ये बाकी मंत्री साहब की बात करते पसंद है कि उसका जिगड़ा उसका बेचारा हार्ट अटैक हो जाएगा, इसका तो काम ऐसा काम हो जाएगा। और सबका गरीब का अमीर का अच्छे बड़ा खरा खोटा सबका साथी है। वो कह रहे हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूँ इसलिए मेरे को गांव में भी नहीं घुसने दे रहे। नहीं नहीं गरीब का कौन जी, गरीब का गरीब तो ये भी है, गरीब तो ये भी है नरेश सेलवाल जी भी। 800 करोड़ रुपये जी एससी है जी, वो भी एससी है। इसने काम से करे गाँव में बड़े जो काम है कौन करे। नो बताओ नो कब है के भाई एससी है वो बोले मैं गरीब का बेटा हूँ। जॉइंट को नहीं पाओ भाई के जिक्रा से लो एक तो दिल्ली में गरीब गरीब भी था एक नरेश सेलवाल भी है एससी है गरीब है। फिर ये बात नहीं होती उसका इसका जमीन आसमान का फर्क है। यो तो एक का साथी बन के चल रहा है। उन्होंने तो सारे ठुकराए दिए। वो भूखा था, भूख निकल की पेट के सड़ निकल के जरूरत थी उसने। आहा मेरा
देखिए जो तमाम लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से जनता का जो समर्थन है वो नरेश सहलवाल। नरेश सहलवाल छत्तीस बिरादरी का नेता है, ये एक बिरादरी का नहीं है, ये उकलाने हल्के से काफी मार्जिन से जीतेगा, 70,000 प्लस से जीता। किरमारा एक तरफ है, यहाँ नरेश सहलवाल हमेशा ही दुख दर्द में काम आता है। हर 36 बिरादरी के अंदर किसी के भी कोई बात होती है सबसे आगे पाता है। इसके अंदर नरम सहनशीलता और बहुत ही कायम उम्मीदवार है। इसको अजी भाई कैसा माहौल है? गत्स है जी, गत्स जमा। एक तरफा नरेश सहलवाल यहाँ से 50,000 प्लस से जी। देखिए से पूरा हल्का से 61,000 से जीत होगी, यहाँ से 21 होगी। ये मेरा बड़ा है। ये बड़ा ऐलान जो है वो लगातार समर्थक करते जा रहे हैं। हालांकि किसकी जीत होगी, किसका किसकी हार होगी, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल एक बात होता है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है और समर्थकों का जोश देखते ही बन रहा है। वीडियो अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।